एसडीएम अमित चौधरी के फर्जी दस्तावेजों से आरएएस बनने और आपराधिक मामलों में शामिल होने से संबंधित पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसान मजदूर मोर्चा के प्रदेश संयोजक रवि सोनड लाल सोट ने सबूतों के साथ भेजी शिकायत। थप्पड़ मामले को लेकर चर्चा में थे आरएएस अमित चौधरी, क्या चौधरी भी होंगे गिरफ्तार? एसडीएम अमित चौधरी के फर्जी दस्तावेजों से आरएएस बनने और आपराधिक मामलों में शामिल होने से संबंधित पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसान मजदूर मोर्चा के प्रदेश संयोजक रवि सोनड लाल सोट ने सबूतों के साथ भेजी शिकायत। थप्पड़ मामले को लेकर चर्चा में थे आरएएस अमित चौधरी, क्या चौधरी भी होंगे गिरफ्तार? एसडीएम अमित चौधरी के फर्जी दस्तावेजों से आरएएस बनने और आपराधिक मामलों में शामिल होने से संबंधित पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसान मजदूर मोर्चा के प्रदेश संयोजक रवि सोनड लाल सोट ने सबूतों के साथ भेजी शिकायत। थप्पड़ मामले को लेकर चर्चा में थे आरएएस अमित चौधरी, क्या चौधरी भी होंगे गिरफ्तार? एसडीएम अमित चौधरी के फर्जी दस्तावेजों से आरएएस बनने और आपराधिक मामलों में शामिल होने से संबंधित पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसान मजदूर मोर्चा के प्रदेश संयोजक रवि सोनड लाल सोट ने सबूतों के साथ भेजी शिकायत। थप्पड़ मामले को लेकर चर्चा में थे आरएएस अमित चौधरी, क्या चौधरी भी होंगे गिरफ्तार? एसडीएम अमित चौधरी के फर्जी दस्तावेजों से आरएएस बनने और आपराधिक मामलों में शामिल होने से संबंधित पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसान मजदूर मोर्चा के प्रदेश संयोजक रवि सोनड लाल सोट ने सबूतों के साथ भेजी शिकायत। थप्पड़ मामले को लेकर चर्चा में थे आरएएस अमित चौधरी, क्या चौधरी भी होंगे गिरफ्तार? एसडीएम अमित चौधरी के फर्जी दस्तावेजों से आरएएस बनने और आपराधिक मामलों में शामिल होने से संबंधित पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसान मजदूर मोर्चा के प्रदेश संयोजक रवि सोनड लाल सोट ने सबूतों के साथ भेजी शिकायत। थप्पड़ मामले को लेकर चर्चा में थे आरएएस अमित चौधरी, क्या चौधरी भी होंगे गिरफ्तार?